मैं आपका एक परिचय कर रहा हूँ, आप मुझे प्रोग्राम करो। आप इधर आइए, आप बैठो। अरे इधर इधर बैठो, आप इधर आइए, आप बैठो। बड़ी चीज़ बैठो, बैठो अच्छी कोई नहीं, बैठो हमारा ऐसा यहाँ पर संस्करण के नाम से जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य हम महाराष्ट्र में मन शक्ति के नाम से कर रहे हैं। और मन शक्ति पिछले 60 वर्ष से ये लोनावला में मुंबई और पुणे के बीच में मेन हाईवे पर जगह है। आपने खंडाला का नाम तो सुना होगा, कोई फिल्म आ गई आती तो खंडाला जो भी कुछ है, तो वो खंडाला लोनावाला लोनावला में ही है। लोनावला पे फिल्म आ गई, शूट आउट है। तो वहाँ पर जो हम यहाँ पर हाउ टू सेलेक्ट ए राइट लाइफ पार्टनर के नाम से कार्यक्रम करते हैं, वहाँ पर हम सुप्रचलन के नाम से करें, क्योंकि तो वहाँ का ज़्यादातर कार्य मराठी में। दूसरा जो हम यहाँ कंसीव और उसमें प्रोग्राम ब्रिलियंसी वो वहाँ पर हम गर्भ संस्कार और गर्भ अवस्था इस पर काम करें। फिर बच्चे के जन्म के बाद हम तो जन्म उसी दिन मानते हैं जिस दिन कंसी उसी डेट से, क्योंकि हमारे पास उसका एक एक रिकॉर्ड है, एक एक दिन का कि किस दिन बच्चा कैसे डेवलप होता है कैसे, तो हम साइंस भी ये सिद्ध करते हैं कि प्राण उसमें उसी दिन से होते हैं, अंग प्रत्यंग समय समय पर बढ़ते हैं और प्राण उसी दिन से। वैसे भी जिसके शुक्राणु डेड है वह बच्चा नहीं होता, तो इसका मतलब जीवन से ही जीवन शुरुआत होती है, तो उसमें कोई ऐसी स्टेज नहीं आती जबकि उस चीज में जीवन ना रहा हो। तो उस कार्य को पर जो हम जन्म की बात यहाँ करते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो उस पर भी हमारा एक कार्यक्रम हम दिल्ली में भी करते हैं, गुजरात में भी करते हैं, महाराष्ट्र, कि उस बच्चे का लालन पालन कैसे हो, उस बच्चे को कैसे हम अच्छी परवरिश दें, उसके उसका बौद्धिक विकास के इन सब चीज़ों पर काम करते हैं। तो जो मन शक्ति में कार्यक्रम करते हैं उसमें आजकल स्पेशलाइजेशन का जमाना है, तो हर फील्ड के अलग अलग हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं को काम, और वो बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पिछले 60 साल से चला। लोनावला में दो एक केवल्य धाम से वो योगा के बारे में बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, लेकिन मन शक्ति ये स्वामी विज्ञानंद जी ने बनाया था मन शक्ति 60 वर्ष पहले। तो वो जो जन्म के बाद का इशू है उसको प्रमोशन हैंडल करते हैं, और वहाँ पर ये पूरा हमारा ग्रुप वहाँ से उत्तराखंड में परमार्थ के द्वारा कुछ स्कूलों का टीचर्स का प्रोग्राम किया था, तो वहाँ पर इनको बुलाया गया था, तो वहाँ पर ये दो दिन का इनका कार्यक्रम चला। फिर यहाँ पर दिल्ली आए तो आज ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम था, तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप थोड़ा सा, क्योंकि शिक्षा पे आपका काम है और वो भी, तो आप थोड़ा सा एक आधा पौना घंटे का समय लगा कर हमारे बीच में अपनी बात करें, क्योंकि मैं तो आपके बीच का हूँ, मैं कुछ कहूँगा तो वो तो ऐसा ही होगा कि जैसे मेरी बात का कोई वेटेज होता नहीं है, तो इसलिए नमस्कार भाई साहब। जय राम जी। तो प्रमोदी आज हमारे बीच में, वेलकम प्लीज स्टार्ट। तो स्टार्ट सब साथ अभी
ज़्यादा पैसे के उसमें न जाकर स्टार्ट कर। शिक्षा में संस्कार का महत्व और उसका क्या हम शुरू करते हैं। सभी को समय समय को समय कम है, वैसे समय बोलता जब सुबह आगे जा रही है तो वो उसके ऊपर छोड़ दिया। आप शुरू कीजिए। लोनावला में स्वामी विज्ञानंद जी उन्होंने इस संस्था की स्थापना 60 वर्ष पहले की है। मैं उस संस्था में 45 ईयर से रहता हूँ। जब मैं स्कूल में जाता था तभी से इस संस्था को संस्था में जुड़ गया। स्वामी जी के साथ 25 बरस रहा और अभी मैं वहाँ ट्रस्टी हूँ। और जैसा उन्होंने कहा वैसा बच्चों के परवरिश के बारे में क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा सोचता हूँ। जो अभी जनवरी में हमने एक कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ मनोशक्ति में रखी है और उसका सब्जेक्ट है 21वीं सदी के विद्यार्थियों का चारित्र संवर्धन कैसे हो जाए, यानी शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा के मूल क्या होने चाहिए, क्या सिर्फ पैसे मिलाना अपना सम्मान बढ़ाना यही होना चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि उतना मकसद तो काफ़ी नहीं है। इसके लिए चारित्र संपन्न विद्यार्थी किस तरह से बन जाए इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। इसलिए मनशक्ति में उसके बारे में जो भी रिसर्च चलता है, जो भी काम चलता है, वह कभी से चलता है और जब से पार्टनर चुनना होता है तभी से, यानी शादी के पहले ही सुप्रजनन, जिसे हम कहते हैं सुप्रजनन, दो व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो संसार को हो जाता है। लेकिन वो अच्छी तरह से किस तरह से बने इसके लिए वो दोनों के विचार, स्वभाव और उनकी चाहत एक दूसरे से जुड़ती है या नहीं, इसके बारे में देखना ज़्यादा आवश्यक रहता है। जैसे हमें हमारी परंपरा में है कुंडली देखना, लेकिन कुंडली में तो ग्रहों का सोच ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ उसके बारे में टेस्ट है
और उसमें हम ऐसा देखते हैं कि पति और पत्नी होने वाले जो है उनके स्वभाव एक दूसरे से कितने मिलते हैं, दोनों की जो चाहत है वो एक दूसरे से मिलती है या नहीं मिलती, और यदि नहीं मिलती है तो वो मिलाने के लिए क्या करना चाहिए। 36 गुणों का मिलन यानी दोनों के स्वभावों का मिलन होना चाहिए, उसे हम कहते हैं सुप्रजनन। उसके बाद कंसीव होने के बाद गर्भ संस्कार हम करते हैं, और गर्भ संस्कार के लिए अभी हमें महाभारत के अभिमन्यु का एग्जाम्पल देने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि अभी साइंस इतना आगे गया है कि बच्चा कंसीव के होने के बाद चौथे वीक में ही उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, हार्ट भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है, और 7वें महीने में तो पूरा चाइल्ड तैयार हुआ होता है, उसका ब्रेन तैयार होता है। इसीलिए प्री मैच्योर बेबी जन्म लेते तो भी वो जी पा सकती है, क्योंकि उसकी परवरिश पूरी हो सकती है। तो इसीलिए और उसके बाद उसे सिखाया जाता जो है, हम तो हमेशा समझते हैं कि बच्चों की सीख बच्चों का की शिक्षा वो जब स्कूल में जाता है तब से शुरू होती है, लेकिन मनोशक्ति का मानना है कि बच्चों की सीख जो है वह गर्भ में ही होनी चाहिए, क्योंकि गर्भ में जब बच्चा रहता है तब उसके एक्सेप्टेंस पावर सबसे ज़्यादा रहती है, उसका ब्रेन फंक्शनिंग ब्रेन का स्टिमुलेशन और बाकी सब जो है वह तैयार हुआ होता है, और यदि हम उसे कई कुछ बातें सिखाते हैं तो वो आसानी से सीख सकता है। और इसके बारे में हमने 1800 बच्चों के केसेस तैयार किए, और अमेरिका में अपा करके संस्था है एसोसिएशन फॉर प्री एंड पेरिनेटल चाइल्ड हेल्थ साइकोलॉजी, उन्हें भेजा था, और उनके मासिक पत्रिका में इसके बारे के जो आर्टिकल्स है जो पेपर्स है वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किए छापे। तो यानी कि ये जो हम कह रहे हैं इसके पीछे रिसर्च है, और इसके पीछे गए 30 बरस से हम जो इसके बारे में काम कर रहे हैं वो भी है। यदि हमें बच्चों को सिखाना है तो क्या सिखाना है, संस्कार व्याख्या, बच्चों को संस्कार देना है। तो बच्चों को संस्कार देना यानी क्या है, उसे कुछ संस्कृत श्लोक पढ़ाने, अलग अलग भाषा के श्लोक ही पढ़ाने, या क्या करना है। तो उसका यह एक बहुत अच्छी डेफिनेशन हमारे यहाँ बताई जाती है, क्या है, संस्कार है गुणों का गुणन और दोषों का विभाजन। बच्चे में जितने भी गुण हैं वो तो गुण कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, और उसमें जो दोष है वो कम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बच्चों को सीख देना यह है संस्कार। तो यह संस्कार कभी से करने चाहिए, जन्म पूर्व से करने चाहिए, लेकिन हम सोचेंगे कि जन्म पूर्व से या बच्चा एक बरस का है, दो बरस का है, तीन बरस का है, उसे हम क्या सिखा सकते हैं। तो उसकी सीख यानी क्या है, चार इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं जो अभी बता रहा हूँ, हर एक प्लेट पर मैं एक एक घंटा बोलता हूँ, लेकिन अभी मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ। तो शिशु की शिक्षा का मतलब केवल पाठशाला का ज्ञान है ही नहीं, उसे क्या क्या सिखाना चाहिए, एक है उसका स्वभाव कैसा है, यानी उसका बिहेवियर कैसा है, किस तरह से वो बर्ताव करता है वो देखना चाहिए, स्वभाव व्यवहार व्यक्तित्व, व्यक्तित्व यानी आउटर पर्सनैलिटी नहीं इनर पर्सनैलिटी कैसे है वो देखनी चाहिए, और विभिन्न क्षेत्रों में बुद्धिमत्ता, इसे कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो चारों बातों में मैं थोड़ी समय में बताना चाहता हूँ। स्वभाव, छात्र का स्वभाव, शिशु का स्वभाव कैसा है, इसका बहुत असर उसके पढ़ाई में होता है। समझो कोई बच्चा ऐसा है कि जिसे गुस्सा ज़्यादा आता है, रेज, वो ज़्यादा क्रोधित होता है, तो क्रोधित होता है तो हम बोलते हैं ठीक है क्रोधित है शांति से बैठ जाएगा, लेकिन जब वो गुस्से में आता है तो उसके दिमाग पर उसका जो असर होता है उससे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है,
उसकी एनर्जी वो गुस्से में बहुत सी चली जाती है, और जब भी उसकी आवश्यकता रहती है उस समय उसकी माइंड एनर्जी उसको काफ़ी उपलब्धियाँ उसकी नहीं होती, इससे वो पढ़ाई में बहुत पीछे हो जाता है। गुस्सा जिसको ज़्यादा आता है उसे पढ़ाई में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। वैसे ही समझो किसी बच्चों को भय ज़्यादा है, फियर ज़्यादा है तो क्या है, हम बोलेंगे फियर है तो ठीक है, बड़ा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं। जब बच्चा छोटा रहता है तभी से यदि उसके मन में भय ज़्यादा उत्पन्न होता है तो उसे डिप्रेशन ज़्यादा आता है, उसी तरह से उसे लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और वह आगे जाकर किसी भी स्पर्धा के युग में आगे जा नहीं पाता। वो कभी भी बोलता नहीं मैं आगे जाऊँगा, नहीं, वो हमेशा पीछे रहता है, और इसलिए उसकी शिक्षा में उसके आगे जाने में उसने जो स्वभाव है उसका जो भय है वह हमेशा उसके ऊपर असर। हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए भय और क्रोध उसे क्या करना चाहिए वो तो जीरो पर लाना, यह हमारा मकसद है ही नहीं है, क्योंकि हम आदमी हैं, मानव है, हमारे मन में भावना तो होती है, होनी भी चाहिए। तो क्या करना है, उसका जो भय है उस भय को धैर्य की जोड़ देनी चाहिए। भय है उसका मतलब धीरज में करना चाहिए, करेज। उससे गुस्सा है तो गुस्से को शांति यानी पीस की जोड़ देनी चाहिए। यदि वो दोनों हम बैलेंस करेंगे, जीरो तो करना नहीं है, बैलेंस करेंगे तो उसकी परवरिश अच्छी हो जाएगी। हमें मालूम है जब बच्चा गुस्सा हो जाता है तो कुछ भी कर लेता है, उसका असर उसके दिमाग पर रहता है। साइंस कहता है वह दिमाग पर जो असर रहता है वो सिर्फ 6 सेकंड का रहता है। आप सबको मालूम है जब हम लोग छोटे थे और कभी गुस्सा हो जाते थे तो हमारे दादा लोग और घर के लोग क्या करते थे, गुस्सा कम करने के लिए वो बहुत एक आसान तरीका बताते थे, क्या, 10 की गिनती करो, बराबर है ना, 10 की गिनती करो, 10 की गिनती करेंगे तो गुस्सा कम हो जाएगा। क्यों वो बोलते थे कि 10 की गिनती करते हैं तो उसके एमिग्डाला पर जो गुस्से का असर होता है वो सिर्फ 6 सेकंड का होता है, और उस गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है, बड़ा आदमी दूसरों का मर्डर कर सकता है, दूसरों को मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, वैसे ही छोटा बच्चा 6 सेकंड में कुछ भी करता है। तो उसे क्या करना चाहिए, किस तरह से उसको बदलना चाहिए, इसके बारे में हम ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए शिशु का स्वभाव वो बहुत इम्पोर्टेंट है शिक्षा में। दूसरा है उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका वर्तन कैसा है। अभी वर्तन में डिसऑर्डर बहुत से आ रहे हैं, हमें मालूम है कि बच्चे लोग कॉन्सेंट्रेशन कर नहीं पाते, एक जगह बैठ नहीं सकते, जिसे हम कहते हैं कि एडिशनल डेफिसिट डिसऑर्डर ADD, एडिशनल डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर रहते हैं। आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि बच्चा 5 मिनट एक जगह बैठ नहीं सकता, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ जाता है। इसके ऊपर रिसर्च हुआ क्यों ये हो रहा है, और इसमें ऐसा समझ गया है कि बच्चे ज़्यादा TV देखते हैं, बचपन से TV देखते हैं, और बचपन से TV देखते हैं तो उनके हाथ में रिमोट आता है, और रिमोट में क्या है, हर समय चैनल चेंज करना, ये देखा नहीं अच्छा लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। और जो कार्टून्स देखते हैं वो कार्टून्स एनिमेशन रहता है, एनिमेशन में 1 सेकंड की फ्रेम बदलने के लिए, 1 सेकंड का एक्शन बदलने के लिए 24 फ्रेम्स आते हैं, 24, अब 28 का, यानी और भी फास्ट हो गया। तो ये जो बच्चे के दिमाग में बैठता है, हर एक बार में कुछ ना कुछ तो बदलाव चाहिए। वो जब पढ़ाई के लिए बैठता है, एक सब जो साइंस का सब्जेक्ट का किताब लेता है, 2 मिनट पढ़ता है फेंक देता है, हिस्ट्री लेता है फेंक देता है, ज्योग्राफी लेता है फेंक देता है, और 10 मिनट के बाद पढ़ाई छोड़ता है और बोलता है मैं TV देखूंगा वही अच्छा। तो ये जो असर है, इसे ये बच्चों का व्यवहार
उनका वर्तन किस तरह से हो रहा है इसके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता है। और इसके बारे में एक बहुत ही आसान सूत्र तैयार हुआ है जो है ट्रेन योर माइंड और चेंज योर ब्रेन। इसके बारे में जो बच्चे लोगों का व्यवहार है इसके बारे में पूरे विश्व भर के साइंटिस्ट ब्रेन साइंटिस्ट इकट्ठे हुए थे और दलाई लामा जी उसके चेयरमैन थे। तब जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस कॉन्फ्रेंस में यह निष्कर्ष निकाला गया कि बच्चों को यदि बदलना है तो उनको माइंड के ट्रेनिंग देना आवश्यक है। मन की ट्रेनिंग मन शक्ति 50 बरस से वही कर रही है। मन की ट्रेनिंग मन को बदलाव लाते हैं, मन में बदलाव लाते हैं तो ब्रेन में बदलाव आ जाता है, जीन्स में बदलाव आ जाता है, ब्रेन में बदलाव आ जाता है तो पूरे शरीर में बदलाव आ सकता है, पूरे शरीर में बदलाव आ सकता है तो एक्शन अच्छे होते हैं, एक्शन अच्छी हो जाएगी तो उसकी तरक्की अच्छी तरह से हो सकती है। इसीलिए ब्रेन में बदलाव लाना बहुत आवश्यक है। और उसका व्यक्तित्व जो है तो व्यक्तित्व यानी इंटरनल पर्सनैलिटी इनर पर्सनैलिटी नॉट एक्सटर्नल। बच्चा या बच्ची बचपन में कैसे दिखती है इसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसकी इनर पर्सनैलिटी कैसी वो देखनी है और इनर पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए स्वामी जी ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है, एक्शन प्लान निकाला है, वो है 12 गुणों का विकास। वो मैं आपको दिखाऊँ 12 गुण। बच्चों को यदि अच्छी तरह से सिखाना है तो उसे सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में यश मिलाना, सफलता मिलाना, सक्सेस इन एग्जाम, यही मकसद नहीं होनी चाहिए। अभी तो पेरेंट्स भी बच्चों के ऊपर अपने उम्मीदें ढोसते रहते हैं और बोलते हैं कि आप इतना पढ़ाई करो, इतने मार्क्स मिलाओ, नहीं मिला तो ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उससे अच्छा परीक्षा सफलता आवश्यक है या नहीं है, लेकिन पेरेंट्स उसे अभी 100% उसके ऊपर ज़्यादा बोझ डालते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि परीक्षा सफलता आवश्यक है लेकिन उसका महत्व सिर्फ 112 है। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसे खेल कूद में रुचि होनी चाहिए, उसे कोई ना कोई तो हॉबी होनी चाहिए, उसके मन में अपने देश के प्रति सम्मान होना चाहिए, देश और मानवता के प्रति सम्मान होना चाहिए। ना कि मैं सिर्फ मेरे लिए जो जीऊँ या मेरे फैमिली के लिए जीऊँ, लेकिन मैं जीऊँगा तो समाज की उन्नति के लिए, अपने देश के उन्नति के लिए, मानवता की उन्नति के लिए जीऊँगा, ऐसे बात उसके मन में ज़्यादा आनी चाहिए। इसके बारे में ज़्यादा सीख देनी चाहिए। उसके बाद अच्छा बर्ताव, तो बुरा बर्ताव करता है तो हर लोग हमेशा उसे कोसा जाता है, अच्छा है उसका बर्ताव अच्छा होना चाहिए। उसे हमें नावन्मय बनाने का, उसे अनपढ़ नहीं बनाने का, उसको व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, उसमें निर्भयता होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, उसमें कृतज्ञता होनी चाहिए। कृतज्ञता यानी अपने माता पिता, अपने समाज, अपने देश और अपने पर्यावरण के बारे में, अपने नेचर के बारे में उसके मन में आदर भाव होना चाहिए। वो आदर भाव किस तरह से वो रखें इसके बारे में हम पूरे 3 दिन के क्लासेस लेते हैं लोनौरा में, जिसे हम शिविर कहते हैं। तो वो क्लासेस हमारे यहाँ होते हैं, उसमें विजन होनी चाहिए, शांति का प्रेम होना चाहिए और लीडरशिप होनी चाहिए, ये सब बातें उसमें होनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए इसके लिए राइट ब्रेन डेवलपमेंट या होल ब्रेन डेवलपमेंट इस तरह से उसे सिखाने की आवश्यकता है। और लेफ्ट ब्रेन जो है वो अपने जो स्कूल सब्जेक्ट जो रहते हैं वो स्कूल सब्जेक्ट सब उनका स्थान जो है वो लेफ्ट ब्रेन में। तर्कशास्त्र यानी लॉजिक, भाषा, लैंग्वेज, विज्ञान, मैथ्स, विश्लेषण मतलब सब ये जो है बाह्य मस्तिष्क के सब्जेक्ट्स हैं। और पेरेंट्स और टीचर्स भी ज़्यादा सोचते हैं वो लेफ्ट ब्रेन के डेवलपमेंट के बारे में ही सोचते हैं। 90% वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे का लेफ्ट ब्रेन किस तरह से विकसित होगा, लेकिन यदि उसे अपने जीवन में सफल होना है, यदि उसको अच्छी तरह से तरक्की करनी है तो उसका राइट ब्रेन अच्छा होना चाहिए।
हम अपने जाने माने जो सेलिब्रिटीज हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, वो सब देखेंगे, साइंटिस्ट हैं, तो उनका राइट ब्रेन अच्छा है, जिसे इमेजिनेटिव ब्रेन कहा जाता है। और इमेजिनेशन ये सबसे अच्छी है, क्योंकि इमेजिनेशन को कोई भी सीमा नहीं रहती। आइंस्टाइन ने कहा है कि इमेजिनेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द नेचर, क्योंकि उसे सीमाएं नहीं रहती। और बच्चों को हम इमेजिनेशन के बारे में कुछ भी आगे जाने के लिए कहते नहीं। एक बहुत अच्छी किताब स्वामी जी ने हमारे लिखी है, उसका नाम ही है सेव योर चाइल्ड फ्रॉम योर सेल्फ। अपने बच्चों को बचाइए स्वयं अपने आप से, क्योंकि ज़्यादा सख्ती से माता पिता उसके साथ पेश आते या नहीं तो उसके ज़्यादा लाड प्यार करते, दोनों का बैलेंस नहीं करते, इसलिए बच्चों में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। बच्चों में प्रॉब्लम्स आती है उसकी वजह कुछ ऐसी भी है कि जो उनके पेरेंट्स उनके साथ जिस तरह से बर्ताव करते हैं, जिस तरह से उनकी परवरिश करते हैं, जिस तरह से सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उससे प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसलिए उनके आंतरिक समझ, इंट्यूशन पावर, टोटल थिंकिंग और क्रिएटिविटी, यह किस तरह से बढ़े इसके बारे में हमें सोच। इसलिए वे 30 साल में एक सोच आगे आई है और उसे कहते हैं EQ डेवलपमेंट। पहले तो हम IQ डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते थे, अभी हमें सोचना चाहिए इमोशनल पोषण, इमोशनल बैलेंस, बच्चा कितना होशियार है, इससे भी ज़्यादा सोचना चाहिए क्या वो बैलेंस माइंड का है, क्या दूसरे के साथ वो अच्छी तरह से पेश आता है, क्या दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर पाता है। नहीं तो ऐसा हम देखते हैं कि दोनों भी बहुत होशियार है, हस्बैंड वाइफ IT में जाते हैं, उन्हें पेमेंट भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक दूसरे के साथ उनका मेल जोल नहीं होता, एक दो महीने में छः महीने में डिवोर्स की तरफ जाते हैं। क्या उसका उपयोग, जीवन में क्या पाते हैं, सिर्फ पढ़ाई यह काफ़ी नहीं है, उसके लिए दूसरों के साथ एडजस्टमेंट करने का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, इसे कहते हैं EQ। और उसके आगे जाकर हमें सोचना है वह है SQ, यानी स्पिरिचुअल पोषण या सोशल पोषण। जैसा साहब ने बताया कि भूटान में क्या है HQ, हैप्पीनेस पोषण कैसा है, और उन्होंने उनके जो राजा है उन्होंने कहा है कि अभी हमारे यहाँ संपत्ति का कोई भी मतलब नहीं है, हमारे यहाँ हैप्पीनेस है। वो हैप्पीनेस किस तरह से नापा जाना चाहिए उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, उसे कहते हैं SQ, स्पिरिचुअल पोषण। स्पिरिचुअल पोषण यानी साध्विकता, नहीं कि धार्मिकता, धार्मिकता इसका मतलब नहीं है, उसका मतलब है सात्विकता। जैसे गीता में कहा है तमोगुण, रजोगुण और तीसरा सत्वगुण, तो बच्चों में सात्विकता किस तरह से बननी चाहिए वो हमें देखना है। और इसके लिए बहुत ही आवश्यक बात है, और वो बात है सबसे ज़्यादा अब उनको पेरेंट्स को अच्छी तरह से कैसे सीख। तो पवन जी को तो उसके बारे में एक बहुत अच्छा थॉट आपको मैं बताता हूँ, और वो है हम जो जिसके बारे में सोचते हैं, जब भी किसी के बारे में तो इसे क्या करना चाहिए, बच्चों की परवरिश अच्छी होने के लिए क्या किया जाता है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ बरस पहले ऐसा सोचा जेम्स हैं, कुछ बरस पहले ऐसा सोचा जाता था कि बच्चों को बच्चों में
अच्छा बर्ताव होने के लिए क्या होना चाहिए, बच्चे कैसे बनते हैं, उसकी परवरिश कैसे होती है, क्या होता है। तो पहला ऐसा समझा जाता था कि हर एक जीन्स के ऊपर डिपेंड है, माता पिता की तरफ से बच्चों में जो जीन्स आते हैं वो जीन्स के हिसाब से बच्चों की तैयारियां सब होती है, बच्चे उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, ऐसा समझ था। लेकिन एक बदलाव आ गया, एक स्टडी हो गई और स्टडी के बाद ये हो गया, तय हो गया कि बच्चों के परवरिश में उनके जीन्स का जितना महत्व है उतना ही महत्व 50% जीन्स है और 50% एटमॉस्फेयर, 50% जीन्स और 50% एटमॉस्फेयर दोनों का बराबर हिस्सा है। जीन्स तो माता पिता बच्चों को दे चुके हैं, उसका जन्म हुआ है, अभी तो जीन्स में कोई बदल करना संभव भी नहीं है। तो माता पिता के हाथ में क्या है, वो है एटमॉस्फेयर, वातावरण यानी परवरिश। इसलिए माता पिता का कर्तव्य ऐसा है कि हम हमारे बच्चों को यदि अच्छी तरह से उनकी परवरिश करना चाहते हैं तो अपने घर का वातावरण एटमॉस्फेयर अच्छा रखना चाहिए। माता पिता एक दूसरे के साथ किस तरह से पेश आते हैं वो बच्चा बचपन से देखता है और उससे वो सीखता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, समझो उसके पिताजी का छोटा बच्चा है, उसके पिताजी का कोई व्यवसाय है, कोई वो काम करता है और दूसरों के ऑर्डर्स लेता है। एक बार उसे फोन आता है कि मैंने जो आपको ऑर्डर दी थी वो हो गई क्या। पिताजी फोन पर बोल रहे हैं, उनका स्मार्ट बच्चा उनके साथ है, सुन रहा है पिताजी क्या कह रहे हैं। तो पिताजी कहते हैं कि आपकी ऑर्डर अभी तक पूरी नहीं हो गई, एक चार दिन के बाद हो जाएगी, आपको दे दूंगा। तो सामने वाला बोलता है कि ठीक है, आपने शुरुआत तो किया है काम, तो जितना हुआ है वो मैं देखने के लिए आना चाहता हूँ, अभी आऊँ या थोड़ी देर के बाद। प्रॉब्लम हो गई, काम तो शुरू किया नहीं है। पिताजी झट से बोलते थे, अरे मैं आपको निश्चित रूप से दिखा सकता था, लेकिन मैं अभी बम्बई में हूँ, 5 दिन के बाद आने वाला हूँ, जब आऊँगा तब आपको निश्चित रूप से दिखाऊंगा। उनका लड़का पिताजी के मुँह के तरफ देखता है और बोलता है, मेरे पिताजी तो है दिल्ली में और बोल रहे हैं मैं बम्बई में हूँ और 5 दिन के बाद आने वाला हूँ। क्या सीखता है वो, झूठ बोलना। कहाँ से सीखता है, अपने घर से सीखता है। इसीलिए माता पिता का बर्ताव किस तरह है इसका बहुत असर अपने बच्चों पर पड़ता है। और आगे की बात मैं बताना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ उनका वर्तन एक्शन नहीं, उनके सोच विचार कैसे, उसका भी असर उनके ऊपर पड़ता है। और उसके पीछे साइंस ऐसा है कि जब हम किसी भी बारे में मन में थॉट लाते हैं तो उस थॉट के हिसाब से अपने ब्रेन से वेव निकलती है, जिसे हम कहते हैं अल्फा थीटा बीटा डेल्टा गामा, अलग अलग वेव्स रहती है। वो वेव्स कैसे निकलते हैं, जैसे हमारी सोच रहती है वैसे निकलती है। उसके आगे रिसर्च ऐसा हुआ है कि हमारे दिमाग से जो भी वेव निकलती है क्या वो वेव नष्ट हो जाती है या उसे एटमॉस्फेयर में रहती है। इसके बारे में साइंस में फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग एंड नथिंग राइज, इनडिटर्मिनेसी ऑफ मैटर। तो कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नष्ट होती नहीं, वो सिर्फ चेंज हो रहती है, फॉर्म चेंज रहता है। हम पानी उबालते हैं, गैस पर रखते हैं तो पानी की क्या होती है, बर्फ होती है। वही पानी हम फ्रिज में रखेंगे तो उसका बर्फ हो जाएगा, यानी उसका आकार चेंज हो जाता है, रूप चेंज हो जाता है, वो नष्ट नहीं होता। तो अपने दिमाग के जो भी विचार है वह वातावरण में रहते हैं और उसका असर
बढ़ने वाले परवरिश होने वाले बच्चों के दिमाग पर होता है, उनके दिमाग में जो भी जीन्स रहते हैं वो जीन्स एटमॉस्फेयर में जो थॉट्स रहते हैं, थॉट्स वेव्स रहते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं और उस हिसाब से उनके भी सोच चलते हैं। इसीलिए माता पिता का वर्तन, उनका बिहेवियर, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए। इसलिए उनके जीवन में क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए। अभी जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं, दूसरों को दूसरों की संपत्ति हड़प करके लेते हैं, इसके बारे में यदि माता पिता का विचार हो तो वही सोच, वही थॉट बच्चों के मन में आने वाले हैं। इसलिए उनके जीवन में, माता पिता के जीवन में अच्छे विचार होने चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए बच्चों को सीख देनी चाहिए कि उनका व्यवहार, उनका वर्तन, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। और दूसरी बात है पेरेंट्स का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उन्होंने क्या सोचना चाहिए, उनके जीवन में बदलाव कैसे लाने चाहिए। तो इसके बारे में मनशक्ति में चार लैंग्वेज में 200 से ज़्यादा किताबें हैं, इंग्लिश और हिंदी में कुछ किताबें हैं, पूरी तो नहीं है, मराठी में ज़्यादा है, लेकिन 25-30 किताबें उसके बारे में हैं। वही सीरीज भी हमने तैयार की है कि जिसके बारे में बच्चा अच्छी तरह से समझ सके और माता पिता भी समझ सके। और एक है और जिसे हम कहते हैं कि बच्चों का राइट ब्रेन डेवलप होना चाहिए। तो राइट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ गेम्स तैयार किए, जैसे कि टैंग्रैम है। तो टैंग्रैम तो आप सब जानते हैं, वो हमने तो खोजा नहीं है, वो पहले से उसके एक अच्छी तरह से प्रोडक्शन करके हमने लोगों को उपलब्धि उसकी करा दी। इसमें सिर्फ प्लास्टिक के 7 ट्रायंगल्स हैं, त्रिकोण हैं, वो एक दूसरे को जोड़कर हजारों आकृतियाँ बच्चे लोग कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को टीवी की आदत कम करनी है तो उसे कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट देनी चाहिए। सिर्फ हम कहेंगे टीवी ज़्यादा मत देखो और माता पिता ही देखते रहेंगे तो बच्चा क्या करेगा। पिताजी के हाथ में रिमोट है, वो ऑफिस से आते हैं तो बोलते हैं रिमोट मुझे दो, मुझे देखना है। तो बच्चा मन में क्या कहेगा, अरे तो मेरे पिताजी देखते मेरी माता देखती तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन टीवी पर बुरा क्या है हमें मालूम है, टीवी पर जो भी बातें दिखाई जाती है क्या बच्चों को वो सब देखने लायक है, नहीं है। सेक्स एंड वायलेंस दोनों बातें टीवी पर बहुत ज़्यादा रहती है और उसका बहुत बुरा असर बच्चों पर होता है। इसलिए हमें उन्हें कहना चाहिए कि टीवी कम देखें। बच्चे कहेंगे हम करें क्या, हम टीवी नहीं देखें तो क्या करें। उन्हें कहना चाहिए ग्राउंड पर जाओ, खेल कूद में लग जाओ, 1-2 घंटा ग्राउंड पर खेलेंगे तो उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। उसी के साथ साथ उन्हें कोई भी अच्छी हॉबी होनी चाहिए और उनके लिए अलग अलग ऐसे गेम्स हमने कई तैयार किए, स्नेक और लैडर है, ये है, ब्रेनिक क्यूब है। तो इसके पीछे मकसद हमारा एक ही है, बच्चों का राइट ब्रेन डेवलप अच्छी तरह से हो जाए। इस दूसरी बात ऐसे है कि उनके लिए कुछ हमने एनिमेशंस के साथ संस्कार कथा तैयार की है, DVDs तैयार की है और उसमें अपनी भारतीय संस्कृति की अच्छी कथाएँ स्टोरीज हमने चुनी है। कोई स्वामी जी ने अच्छी स्टोरी लिखी है वो हमने चुनी है और उसके साथ कुछ एनिमेशन के DVD तैयार किए। तीसरी बात ऐसी है कि हमारे यहाँ उसके लिए 3-3 दिन के अलग अलग शिविर हैं। वो शिविर जो है जैसा कहा, सुप्रजनन का वर्कशॉप है, गर्भ संस्कार का वर्कशॉप और 3 दिन का स्टडी कोर्स है। उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद 3रे बरस से लेकर 7वें बरस तक उसके लिए मेंदू क्रांति, रिवोल्यूशन इन ब्रेन, इसके बारे में 3 दिन का कोर्स है। जब बच्चा स्कूल में जाने लगता है, 1-2 कक्षा के आगे जाता है, तो 8 बरस से लेकर 15 बरस 7 बरस तक
उसे मेमोरी डेवलपमेंट कोर्स में हम जोड़ देते हैं। जब वो कॉलेज में जाता है, युवा बनता है, तो उसके लिए यौवन क्रांति, इवोल्यूशन इन यूथ, इसके बारे में हम उसको सिखाते हैं। ये सब तीन तीन दिन के कोर्सेज रहते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको 12 जोनों का विकास कहा, उसके लिए हर बरस में 3 दिन का अलग कोर्स रहता है, जिसमें हर बरस को हम 2 या 3 गुण यानी वर्चुज चुनते हैं, और वर्चुज बढ़ाने कैसे उसके बारे में 3 दिन हम उनको सीख देते हैं, और वाइसेस यानी दोष कम कैसे करने के उसके बारे में उन बच्चों को और उनको उनके पेरेंट्स को हम सीख देते हैं। तो ऐसे अलग अलग बातें हम कहते हैं, और कुछ बातें ऐसे कि जो एक्शन के लिए हम बताते हैं, जैसा कि बच्चों को हम कहते हैं कि उनमें संस्कार होने की आवश्यकता है। क्या करें बच्चों को हम कहते हैं, बड़ों को सम्मान दीजिए। क्या सम्मान, कैसे सम्मान देने का, हम कहते हैं हर रोज अपने माता पिता के सामने नीचे झुककर उन्हें नमस्कार कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। उनको प्रणाम करने के लिए बोलते हैं नीचे झुककर। बच्चा पूछते हैं क्यों, जैसा भी कहा परंपरा है ना हमारी, हमारे माता पिता के सामने नीचे झुककर प्रणाम करना परंपरा है या नहीं है। लेकिन इतने हम यदि अपने बच्चों को कहेंगे, छोटे बच्चों को, अरे परंपरा है आपको नीचे झुककर प्रणाम करना चाहिए, क्या वो करेगा? नए जनरेशन का लड़का लड़की है वो बोलेंगे क्यों करने का, हमें नहीं अच्छा लगता। हम उन्हें उसके पीछे का साइंस बताते हैं, नीचे झुककर प्रणाम क्यों करें। जैसा एक एग्जांपल देता हूँ कि हम बच्चों को बताते हैं कि मेरे हाथ में पानी है, मैं पानी यदि ऊपर से डालता हूँ तो कहाँ जाएगा, बच्चे कहते हैं नीचे, क्यों जाता है, ग्रेविटी। तो हमारे हार्ट में उसी तरह से खून पैदा होता है, खून भी आसानी से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पाँव की तरफ जाएगा या ब्रेन की तरफ जाएगा, पाँव की तरफ, ब्रेन की तरफ जाता है, ऐसा तो वही उसके सिवा तो हम जिंदा रहने नहीं पाएंगे, लेकिन आसानी से कहा जाएगा पैर की तरफ जाएगा। ब्रेन को प्योर ब्लड की आवश्यकता रहती है, क्योंकि उसमें जो सेल्स है, न्यूरॉन्स है, उन्हें ऑक्सीजन लगता है, उन्हें ग्लूकोज लगता है, वो ब्लड के माध्यम से आता है। तो वो उन्हें आसानी से मिलने के लिए अपने ऋषि मुनियों ने क्या किया, एक ही बात कही, जिन घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, चाचा, जितने भी बड़े लोग हैं, उनके सामने हर रोज नीचे झुककर प्रणाम करो। क्या होगा जब वो नीचे झुकता है, तब क्या होता है, उसका हार्ट ऊपर जाता है, ब्रेन नीचे जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हार्ट में से ब्लड आसानी से ब्रेन में जाता है, ब्रेन के सेल्स को स्टिमुलेशन मिलती है, उसकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो जाता है, और उसका बर्ताव भी अच्छा हो जाता है, अपने माता पिता को सम्मान देना वह सीखता है, उसका सिंबल। और माता पिता को हम उसी के समय कहते हैं कि जब बच्चा नीचे झुककर प्रणाम करता है तो उसके ब्रेन के ऊपर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देना भी परंपरा है, लेकिन उसके बारे में भी हमारे यहाँ बहुत रिसर्च हुआ है। और जब हम अपना जो ये पाम है तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत रहती है, अपने जो अग्रह भाग है अपने उंगली के और सबके, उसमें सबसे ज़्यादा ताकत रहती है। उसके पीछे बहुत रिसर्च है, उसके बारे में हमारे बारे पास किताब भी है, लिखी भी है। और माता पिता को हम बोलते हैं कि आप मन में अपने बच्चों की अच्छाई हो, भलाई हो, ऐसा विचार मन में रख के उसके माथे के ऊपर, उसके ब्रेन के ऊपर हाथ रखेंगे, आशीर्वाद देंगे, तो उन्हें माता पिता की एनर्जी आसानी से मिल सकती है। इसके बारे में भी हमारे यहाँ कई प्रयोग हुए हैं। और जब बच्चा मन में अच्छा विचार रखकर, सोच रखकर माता पिता को नमस्कार करता है, और माता पिता उसके भलाई का विचार सोच करके उसे आशीर्वाद देते हैं, तो उनकी एनर्जी लेवल चेंज होती है, ऐसे हमने मशीन के ऊपर देखा है। और वो हम कभी भी लोगों के सामने मशीन के साथ रख सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हमने
तैयार की है कि जिससे बच्चे भी आसानी से सीख सकते हैं। उनको यदि बच्चों को और यूथ को साइंस बताते हैं तो आसानी से वो एक्सेप्ट करते हैं। साइंस नहीं बताएंगे और सिर्फ परंपरा बोलेंगे तो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यदि हम साइंस बताएंगे तो कॉलेज में जाने वाले युवक भी युवतियाँ भी वो एक्सेप्ट करने में कोई बड़ा रिस्क लगा जाता है। वो बोलते ठीक है साइंस है ना हम एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से साइंस और संस्कार दोनों का मेल होना आवश्यक है। वह मेल हम करते हैं उसके लिए अलग अलग स्टडी कोर्सेस है किताबें हैं। और एक बात जो लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ वह है बायोमेडिकल टेस्ट। अपने यहाँ जैसा इनके जो बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे गजानन केकर जी वो खुद एमटेक है। उन्होंने स्वामी जी से बहुत सीख ली और 65 तरह के हमारे यहाँ बायोमेडिकल टेस्ट होते हैं। बच्चों का स्वभाव कैसा है बच्चों की दिमाग के ऊपर टेंशन ज़्यादा है क्या बच्चों के एप्टीट्यूड क्या है कैसे होनी चाहिए उनमें बदलाव कैसा लाना चाहिए उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा बढ़ना चाहिए इस सब बातों के लिए बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग टेस्ट है। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट भी हमारे यहाँ चलती है और सब टेस्ट अभी कंप्यूटराइज हुई है। तो ऐसे अलग अलग हमारे कार्य चलते हैं उसमें मेरे जैसे जीवनवृत्ति जिसको कहते हैं ऐसे 100 से भी ज़्यादा जीवनवृत्ति लाइफ डिवोटीज वहाँ है। और कुछ हमारे यहाँ आफ्टर रिटायरमेंट लोग वहाँ आते हैं वो मानवता सेवा के लिए वहाँ हमारे साथ है। वैसे भी 60 के ऊपर ज़्यादा रिटायर्ड लोग वहाँ जुटे हुए और हमारे 5000 कार्यकर्ता है जो अपने अपने यहाँ रहते हैं और उनके बहुत अच्छी सीख दी है और वह है साइकिल ऑफ गुड फील समाज के लिए अच्छा काम करो। कोई भी स्वार्थ मन में रखना नहीं है समाज के लिए काम करना है और उनके लिए निस्वार्थ बुद्धि से काम करना है। इसके लिए स्वामी जी ने बहुत अच्छी सीख दी है वो है दिन में 24 घंटे रहते हैं वो बोलते हैं 23 आवर्स फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली एंड 1 आवर फॉर आवर सोसाइटी एंड फॉर आवर नेशन। नेशन इज द गॉड यू मस्ट वर्क सेल्फलेसली फॉर आवर नेशन। ऐसे हमारे 5000 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने घर में रहते हैं जो अपने अपने संसार चलाते हैं अपने अपने फैमिली चलाते हैं अपने अपने नौकरी में जुटे रहते हैं कारोबार में जुटे रहते हैं लेकिन हफ्ते में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जैसे उनको समय होता है वैसे वो काम करते हैं और निस्वार्थ रूप से रहते हैं। जैसे मेरे साथ अभी ये सुप्रदाय IIM है ये BA MBA है ऐसे डॉक्टर अरुणा है ये सब लोग जो है वो निस्वार्थ रूप से काम करते हैं। तो इसका एक 3 मिनट का आखिरी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ लेकिन उसका साउंड नहीं है। एक 3 मिनट का वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें सीख दिया है साइकिल ऑफ गुड डी। हम खुद के लिए काम कर रहे हैं ये तो हमें मालूम है वो हमारा स्वार्थ है सेल्फिशनेस है लेकिन सेल्फलेस काम करना दूसरों के लिए काम करना यह बहुत आवश्यक है। और उसके लिए जब हम दूसरों को मदद करते हैं तो हमें भी निसर्ग के माध्यम से समाज के माध्यम से कोई ना कोई मदद मिल जाती है इसलिए हमें दूसरों को मदद करनी चाहिए। इसके बारे में बहुत एक छोटी किताब है उसमें कहा है मिरेकल ऑफ बेनेवोलेंस। मिरेकल पर तो स्वामी जी कभी विश्वास नहीं रखते क्योंकि वो साइंस मानने वाले लेकिन उन्होंने कहा है यदि हम दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं तो अपने जीवन में मिरेकल आ जाता है अपनी भी तरक्की होती है समाज की भी तरक्की होती है। लास्ट का वीडियो देखिए
बच्चों को उठाया था, क्या उसे मालूम था कि कोई मुझे पानी देने वाला है? नहीं, इसे कहते हैं साइकिल ऑफ गुड डीड, डू सम गुड टू अदर्स विदाउट सेल्फिश मोटिव। तो यह सीख उसमें है, तो मैं यह पूरा करना चाहता हूँ। वैसे तो हर एक बारे में एक एक दो दो घंटे हम बोलते हैं और तीन तीन दिन के कोर्सेज चलते हैं, तो मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूँ, लोनावला में आप लोग जरूर आए। वहाँ हमारा बहुत बड़ा आश्रम है, रिसर्च सेंटर है, मशीन्स है, चार्ट्स है, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ रहने की भी सुविधा है, क्लासेस के लिए आ सकते हैं, वर्कशॉप के लिए आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। अब हम जनवरी में और एक दो दिन का हमने एक कॉन्फ्रेंस रखा है, उसका सब्जेक्ट है 21वीं सदी के विद्यार्थियों का चारित्र्य संवर्धन कैसे हो जाए। दयाल जी साहब वहाँ आने वाले हैं, शायद आप लोग भी उनके साथ कोई आ सकते थे, लेकिन ज़्यादातर तो वो मराठी में होगी क्योंकि वहाँ की बोर्ड लोकल लैंग्वेज है और 90% लोग वही होने वाले, कहीं एक दो लेक्चर हिंदी इंग्लिश में भी हो जाएंगे, लेकिन उसके सिवाय भी आप कभी भी आ सकते हैं। और एक है, मैंने हिंदी में बोलने का बहुत प्रयास किया, बहुत सुंदर।